हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज उर्मिला। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। और आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा काफ्तान, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। ये राउंड नेक है, आगे और पीछे दोनों सिंपल सा राउंड नेक रखा है। और यहाँ पर जो डोरी रखी है जिससे आप फिटिंग कर सकते हो, इसकी डोरी की सिल्वर्ट जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे एंड्स में मैंने कपड़े के ही टेसल्स लगा है, अगर आप चाहते हो तो रेडीमेड टेसल्स भी लगा सकते हो। और पीछे ये कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल सा ही है पीछे। एंड यहाँ बाजू में मैंने चारों आजू बाजू ये सुंदर सी टेसल वाली लेस लगाई है, ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप चाहते हो तो ये लेस नहीं लगाओगे या फिर पॉम पॉम लेस लगाओगे तो भी चलेगा, पर ये लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने ये लगा लिए। और ये काफ्तान बनाना बहुत ही इजी है, ट्रस्ट मी। अगर आप सिलाई में बहुत ही न्यू है तो फिर ये काफ्तान प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और सबसे अच्छी बात है कि कटिंग इसमें बहुत ज़्यादा करने का नहीं होता है, सिर्फ एक रेक्टेंगल कपड़ा चाहिए और आप काफ्तान बना सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई आउट दिस। एंड इसके अलावा भी मैंने एक और काफ्तान बनाया है जो हैवी वेयर है, एथनिक वेयर है। अगर आप वो काफ्तान देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। सो नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम एंड लेट्स गो फॉरवर्ड विद द वीडियो। Before going forward with the video, let me show you how it exactly looks like। ये कुछ ऐसे दिखता है जिसे आप लैंगीज या जीन्स के साथ पैर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 20 इंच के दो कपड़े ले लिए हैं। अगर आप चाहते हो तो एक सिंगल कपड़े में भी बना सकते हो। और फिर मैंने उसके बीच में सिलाई करके जो चौड़ाई है वो 40 इंच की बना दी है और जो लेंथ है वो 29 इंच की बनाई है। लेंथ जो है आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट टॉप बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटी ली है लेंथ। और अभी हम नेक काटने वाले हैं, जिसके लिए मैंने चौड़ाई जो है वो 3 इंच ले ली है नेक की चौड़ाई। और जो डीप, जो आगे का डीप नेक है वो 7 इंच का रख लिया है। नेक आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है नेक का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो पहले एक पेपर के ऊपर काट के फिर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। और फिर जो पीछे का नेक है उसका मैंने जो डीप रखा है वो 3 इंच रखा है। और सेम विड्थ तो सेम ही रहेगी आगे और पीछे की, जो फिर जो मैंने लेंथ रखी है वो 3 इंच रख दी है। और अभी मैं इसका नेक काट लूँगी पहले, तो यहाँ पे दोनों कपड़े एक ही साथ कटेंगे। और फिर मैं नीचे का कपड़ा आराम से निकाल दूँगी क्योंकि ये पीछे का पार्ट होगा और ये आगे का पार्ट का गोल नेक मैंने काट लिया है। और अभी ये देखिए आप, फ्रंट पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों एक साथ कट गए हैं। ये पीछे का गला है और ये आगे का गला है। और अभी हम इसे स्टिच कर देते हैं। 1.5 इंच जितना कपड़ा रख के मैं सिर्फ स्टिच कर दे रही हूँ, सिंपली स्टिच कर रही हूँ, कुछ भी फोल्ड वगैरह नहीं कर रही हूँ, ताकि ये जो नेक है वो स्टेबल हो जाए, वो कहीं से भी नेक जो है वो खींचे नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अभी स्टेबल हो गया, अब इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं होगा, इसलिए जो नेक का शेप है वो बिगड़ेगा नहीं। और अभी मैंने यहाँ पर 2 इंच की एक पट्टी काट ली है। और अभी ये जो नेक है उसे सीधा रखा है, जो कपड़ा है जो मेन फैब्रिक है वो सीधे की तरफ रखा है। और ये जो पट्टी है उसे मैं फोल्ड करके यहाँ पर रख के स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करते टाइम थोड़ी थोड़ी छोटे से रिफिल ले रही हूँ मैं, छोटे छोटे से प्लेट्स भर रही हूँ, ताकि ये राउंड नेक है तो हम अलग से एक नेक काट के नहीं बनाने वाले हैं, स्ट्रेट कपड़े में बनाने वाले हैं, इसलिए छोटे छोटे रिफिल लेने पड़ेंगे, प्लेट्स लेने पड़ेंगे, ताकि जब भी हम सीधा करके इसे स्टिच करें तो ये कपड़ा कहीं से भी खींचा है नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से फ्रिल्स ले लिए, प्लेट्स ले लिए, जिगजैग जैसे दिख रहा है ना आपको वो वाला। और आपको ये जहाँ से स्टार्ट करना है पूरा नेक वहाँ तक, आगे पीछे दोनों का तरफ एक ही साथ हो जाएगा, ये पूरा आपको ऐसे ही स्टिच कर लेना है। और एंड को सिक्योर करके अभी इसे पीछे की तरफ मोड़ के जो ऊपर का टॉप सिलाई है, फिनिशिंग वाली सिलाई हमें दे देनी है। जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा ही रखना है, बस ये अंदर की तरफ मोड़ते मोड़ते हमें सिलाई कर लेनी है। ऊपर का जो टॉप सिलाई है आपको अच्छे से फिनिशिंग वाली करनी है, ताकि नेक फिनिशिंग वाला लगे। सो आपको चारों बाजू पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल में पूरी एक सिलाई कर लेनी है। ये जो काफ्तान अभी बना रहे हैं वो सिंपल वाला काफ्तान है, अगर आपको हैवी काफ्तान बनाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो काफ्तान भी ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा काफ्तान है वो, ट्रेडिशनल वेयर के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, एथनिक वेयर के लिए।
वो काफ्तान आप फंक्शंस या फिर फेस्टिव सीजन में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दिवाली तो अराउंड द कॉर्नर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब इस वीडियो पे ध्यान देते हुए अभी देखिए, ये जो ऊपर का टॉप सिलाई है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अभी मैं इसे अंदर का जो कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करने वाली हूँ, तो आपको एक बार फोल्ड करके सिर्फ स्टिच कर लेना है। ये फोल्ड करते हुए भी आप छोटे छोटे प्लीट्स ले सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लीट है तो वो वाला कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो फिर आप छोटे छोटे प्लीट्स की तरफ अंदर की तरफ एडजस्ट करते रहिए। ये नेक बनाना बहुत ही इजी है, अगर आप चाहते हो तो पूरा राउंड नेक काट के भी वो बना सकते हो, पर मुझे ये वीडियो बहुत ही इजी बनाना था इसलिए मैंने ये स्ट्रेट कपड़ा लेके फ्रिल वाला नेक बना दिया है। आगे की तरफ तो बहुत ही इजी लगेगा ये, और ये बहुत ही इजी पीजी है। ये देखिए नेक, राउंड नेक फिनिश हो चुका है। अभी मैं बीच में भी एक सिलाई कर लूंगी, ये दो सिलाई तो ऑलरेडी की हुई है, तो नेक को और अच्छे से दिखने के लिए मैं एक बीच में भी एक सिलाई कर दूंगी, तो ये तीन सिलाई वाला नेक हो जाएगा। ये मिडल सिलाई है, वो आराम से दोनों तरफ एक जितना डिस्टेंस रख के आप स्टिच कीजिएगा। काफ्तान बनाना बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ नेक बना देना है और आजू बाजू एक सिलाई कर देनी है और आपका काफ्तान रेडी है। और अभी मैंने ये सिलाई कर दी है, ये स्टिचिंग नेक का पूरा काम फिनिश हो चुका है। अब देखिए आगे का और पीछे का दोनों नेक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे काफ्तान का नेक और आजू बाजू पूरा सिक्योर हो चुका है। अभी मैं इसे उल्टा करके थोड़ी सी 13 इंच पे मार्किंग कर लूंगी एग्जैक्ट नेक के बाजू में, और उसके बाजू में एक और मार्किंग 3.5 डेढ़ इंच की। और यहाँ पर मेजर टेप रखते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मेजर टेप सिर्फ इसलिए रखा है ताकि लाइन स्ट्रेट हो। अभी यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जिसका बीचों बीच आप 11 इंच रख सकते हो, बाजू में एक साइड 11 इंच और एक साइड 11 इंच, तो फिर 22 इंच का आपका एक बॉक्स बन जाएगा। ये जो मिडल की सिलाई है उसे मैंने मिडल पार्ट रख लिया है, और फिर 11 इंच ये लेफ्ट हैंड साइड, 11 इंच राइट हैंड साइड, और फिर इसे बॉक्स बना लिया है और 2 इंच के पट्टी काट ली है जो हम बॉक्स के ऊपर लगाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर जो बीचों बीच है जहाँ पे हमने ये मार्किंग की है वहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खोलनी है। अगर आपने एक सेम फैब्रिक लिया है पूरा का पूरा आपके पास, अगर बीच में आपने सिलाई नहीं ली है तो यहाँ पे एक काट के आप गाज बना सकते हो। ये पूरे फैब्रिक के बीचों बीच मैंने जो सिलाई की थी उसे मैंने थोड़ा सा खोल दिया है, सिर्फ एक आधा इंच जितना, और वहाँ पर मैंने एक बॉक्स जैसा थोड़ा सा सिक्योर कर लिया ताकि वो जो होल है वो कच्चा ना लगे, अच्छे से लगे। ये आपको बस होल के आजू बाजू एक सिलाई कर देनी है ताकि वो जो होल है वो धीरे धीरे बड़ा ना हो जाए इसीलिए। और अभी आप ये देख सकते हो मैंने ये होल बना दिया है, और अभी हम वो पट्टी लगा देंगे जो हमने काटा था। और ये पट्टी लगाने के एक तो दो फायदे हैं, एक वो छोटा सा जो होल बना है वो विजिबल नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं, और ये हमको डोरी पास आउट करने में ये बहुत ही काम आएगा। मैं पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करके फिर स्टिच कर रही हूँ ताकि वो कच्चा ना लगे, और आपको सिर्फ आजू बाजू से ही पट्टी लगानी है, आपको जो उसके एंड से वो बंद नहीं कर देने हैं, एंड्स अपने को खुले रखने हैं। और अभी हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है, और अभी मैं यहाँ पे डोरी ले रही हूँ, ये मैंने खुद से बनाई है, अगर आप चाहते हो तो रेडीमेड भी ले सकते हो। अभी जो हमने पट्टी बनाई थी उसके अंदर से ये डोरी पास आउट करने वाले हैं। ये देखिए मैंने इसे उल्टा कर लिया है और यहाँ से मैं डोरी डाल रही हूँ, सेफ्टी पिन डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो हमने गाज किया है, जो एक छोटा सा होल बनाया है, वहां से हम बाहर निकाल लेंगे सेफ्टी पिन को और फिर से अंदर डालेंगे। आपको बस ये सेफ्टी पिन पास आउट करनी है एंड्स तक, जहां तक वो कपड़ा है, जहां तक हमने वो जॉइंट लगाया है। और अभी ये जो डोरी हमने डाली है ये वहां से खींच लेनी है, ये जो एंड्स बनाए थे बस वहां से अपने को खींच लेनी है। और यहां पर मैं अभी सिलाई कर दूंगी।
मैंने यहाँ पर अभी पूरी डोरी खींच ली है, सिर्फ थोड़ी सी रखी है ताकि वो सिलाई में इजीली आ जाए। और अभी जो बॉक्स बनाया था उसके एंड्स जो है वो हम सिक्योर कर लेंगे, अभी सिलाई कर लेंगे उसके ऊपर। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा और जो डोरी है उसे कट कर रही हूँ मैं। अब दूसरी तरफ भी सेम यही प्रोसेस करने वाले हैं। डोरी को सिर्फ थोड़ी सी सिलाई में उतनी डोरी रखनी है, स्टिच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और जो डोरी है उसे काट लेनी है एक्स्ट्रा। ये मैंने काट ली है और अभी आप देख सकते हो कि ये जो दो एंड्स है उसे काट के दो एंड बना देने हैं हमें। अभी हमारा ये रेडी है, एंड्स भी सिक्योर है। अभी इसे खींच के हम फिटिंग कर सकते हैं। अभी जो काफ्तान है उसके चारों बाजू में सिलाई कर लूंगी। इसे एक बार फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आपको जो फोल्ड है वो ना ही ज्यादा चौड़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। 1.25 इंच जितना फोल्ड होगा तो भी चलेगा। और यहाँ पे मैंने ये पूरा कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो डोरी है वो आप ऐसे खींच के पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा डिजाइन वाला। और अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी और मार्किंग करने वाले हैं, सिर्फ सिलाई करने वाले हैं, फिटिंग वाली सिलाई। अभी जो हमने बॉक्स बनाया था अंदर की तरफ जो एक छोटा सा बॉक्स है उसके आजू बाजू एग्जैक्टली हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं यहाँ पे मेजर टेप रख के स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ। ये एग्जैक्टली जो बॉक्स के बाजू में ही ये सिलाई कर रही हूँ, बॉक्स स्ट्रेट लाइन। अभी मैं ऊपर से लेके 7 इंच तक मार्किंग कर लूंगी। ये हमारी बाई की स्पेस रहेगी। अगर आप हैवी वेटेड हो तो 9 इंच तक भी ले सकते हो। और ऊपर से लेके नीचे तक मैंने 22 इंच रखा है, तो आपको 7 इंच फिर 22 इंच पे दो मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है जहाँ पे मार्किंग है। सिंपली मार्किंग के ऊपर आपको सिर्फ सिलाई ही करनी है। और अभी मैं टैसल वाली लेस ले रही हूँ जो मैं आजू बाजू लगाने वाली हूँ चारों तरफ कफ्तान के। ये टैसल हमको सिर्फ ऊपर से सिलाई ही करनी है। हमने ऑलरेडी पहले फोल्ड कर रखा था तो फिर सिर्फ एक ही सिलाई में ये टैसल आराम से लग जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट पे पॉम पॉम वाली या फिर कोई भी लटकन वाली लेस ले सकते हो। अगर आपको लेस नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी सिंपली रख सकते हो, पर मेरे पास ये ऑलरेडी टैसल वाली लेस थी तो फिर मैंने इसे लगा लिया है। अगर आपके पास लेस कम है तो आप सिर्फ फ्रंट पार्ट पे भी लेस लगा सकते हो। और यहाँ पे लेस पूरी लग चुकी है। अभी मैंने डोरी पे कपड़े के ही टैसल्स लगा है, कपड़े के ही एंड्स लगा है। अगर आप चाहते हो तो इस टाइप का कोई भी रेडीमेड जो है वो भी लगा सकते हो। देखिए मैंने जूम करके बताया, ये मैंने कपड़े का ही बनाया है। अगर आप चाहते हो तो ये रेडीमेड वाला भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा काफ्तान रेडी हो चुका है। इट इज रेडी टू वेयर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।